एवरीवन, वेलकम बैक टू फैम स्नेहा ब्यूटी। दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ इज गुड एंड आई एम गुड। आप सब थंबल देख के तो समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो स्किन केयर टिप्स के ऊपर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 बेस्ट स्किन केयर टिप्स, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप अपने स्किन के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बुरा कुछ काम करते हो जिसके वजह से आपके स्किन में आ जाते हैं एक्नी एंड पिम्पल्स। तो दोस्तों, आई होप आप सबको पता नहीं है कि आप सब खुद ही अपने स्किन पे एक्ने एंड पिंपल्स ऐसा कुछ लेके आ जाते हो, और दोस्तों आप ऐसा कुछ मिस्टेक्स करते हो अपने स्किन के साथ जिसके वजह से दोस्तों आपको अपने एक्ने एंड पिंपल्स को बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके एक्ने एंड पिंपल्स बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे एंड आपका स्किन रहेगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। आप जब भी फेस वॉश करते हो दोस्तों, आप शायद ऐसे नॉर्मली फेस वॉश को अपने हैंड पे लेके ऐसे करके आप फेस वॉश को अप्लाई कर लेते हो, बट दोस्तों ये आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो अपने स्किन के साथ। बिकॉज ऑफ दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले अपने फेस को जस्ट एक बार नॉर्मल वाटर से आपको भिगा लेना है। भिगा लेने के बाद ही दोस्तों आपको फेस वॉश को अप्लाई करना चाहिए, इससे हमारा स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि हम मिस्टेक्स कहाँ पे करते हैं। दोस्तों, हम जब भी रात में सोने जाते हैं तो दोस्तों हमारा जो पिलो होता है, दोस्तों पिलो कवर हमें हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। बिकॉज दोस्तों, एक ही पिलो कवर अगर हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं। दोस्तों, उसी में अगर हम लोग नाइट में सो जाएंगे तो हमारे स्किन में पिम्पल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। फेस को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ अगर हम हमारे फेस को हाइड्रेट नहीं रखेंगे तो हमारे स्किन में कोई भी ग्लो नहीं आएगा। दोस्तों, हाइड्रेट रखने के लिए दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए दिन में। दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना पानी हमें दिन में पीना ही चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके स्किन में एक्ने हो गया है, बहुत ज़्यादा पिम्पल्स की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आप डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो। वाटर कुछ टाइम के बीच बार बार में दोस्तों आपको डिटॉक्स वाटर को जो है आपको पीना है। तो आप शायद बहुत सारे वीडियोस में ऐसे देखते होंगे कि दोस्तों आपको जो लेमन है, लेमन को लेके दोस्तों अगर आप अपने फेस पे रब करोगे तो उससे आपका स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, आपका स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगा। बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। बिकॉज ऑफ फेस पे दोस्तों आप अगर डायरेक्ट लेमन को अप्लाई करोगे तो उससे दोस्तों आपके स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेस के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब भी कोई होम रेमेडी को या कोई न्यू क्रीम को आप जब भी अपने फेस पे यूज़ करते हो दोस्तों, उससे पहले क्या आप पैच करते हो? न्यू रेमेडी हो या आप कोई न्यू क्रीम हो, न्यू फाउंडेशन हो, मेकअप प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो दोस्तों, आपको पहले उसे चेक करना चाहिए कि वो आपके स्किन के लिए सुटेबल होगा या नहीं। तो दोस्तों आपको इस जगह पे थोड़ा सा पहले क्वांटिटी लेके आपको अप्लाई करना है, आपको देखना है दोस्तों। अगर आपको इचिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों वो आपके स्किन के लिए बेस्ट है। तो मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से गलतियाँ, मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, और दोस्तों आपको अपने स्किन केयर कैसे करना है बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। बिकॉज ऑफ स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे चैनल को, मुझे कमेंट्स करना वीडियो आप सबको कैसा लगा।